जय श्री महाकाल आदेश। चलिए आज मैं बात करता हूँ एक ऐसे उपाय पे कि जैसे कि आपने सभी लोगों ने देखा होगा, ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है कि आप रात बिरात में, दोपहरी में या कहीं भी शहर में, गांव में, जगह जगह चौराहे पर जो होते हैं उतारे कर दिए जाते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे या चौराहे पे जो उतारे किए जाते हैं, हम इनसे कैसे बचें? क्योंकि हर व्यक्ति को रोजगार के लिए घर से बाहर निकलना है किसी ना किसी काम के लिए। अगर ऐसा व्यक्ति ऐसे चौराहे को पार कर ले जहाँ पे उतारा रखा हो, उतार के लड्डू वगैरह, सारा श्रृंगार वगैरह जो उतारा जो होता है वो किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर से उतारा जाता है जो तंत्र बाधा से पीड़ित हो, भूत प्रेत जिन जिन्नात किया कराया, तो कोई श्याना कोई तांत्रिक वगैरह जो है उसका उतारा लगा के चौकी काट के उस उतारे को चौराहे पे बेच देता है, जिसको बोलते हैं चौराहे वाली का उतारा, चौगानन माता का उतारा। और 99% ये उतारा अगर उस उतारे के संपर्क में कोई आ जाता है तो वो उसको उससे पीड़ित होगा ही होगा, उस समस्या से ग्रस्त हो ही जाएगा, क्योंकि वो हम अपनी वो भगत उस व्यक्ति की, पीड़ित व्यक्ति की समस्या को उतार के चौराहे पे रख दिया है। अब वो चौराहे पे रख दिया है, अगर चौराहे पे रख दिया तो वो किसको लगेगा? ऐसा कौन बदनसीब होगा, ऐसा कौन होगा जिसको वो समस्या लगेगी जो उतारे पे सामने वाले सियाने ने या व्यक्ति तांत्रिक ने, ओझा ने चौराहे पे रखवाई है? वो उसको लगेगी जो ज्यादा, जैसे कि पहली बात तो घर से निकले तो कोई भी दूध से बना पदार्थ खाके ना निकले, यानी कि मीठा खाके ना निकले, ज्यादा भड़कीले ऐसे समय, किस समय, हर समय की बात नहीं, दोपहरी में 12 बजे से 2 बजे तक, रात को 12 बजे के टाइम, अमावस्या की रात को, विशेषकर होली दिवाली की रात को, या किसी ग्रहण के समय, या फिर आपका मॉर्निंग में सूरज निकलने से पहले यानी कि 4 बजे के टाइम हो, तो ऐसे समय पे व्यक्ति को अगर नहीं जाना चाहिए। अगर वो जाना मजबूरी है जाना, अगर वो जाता है तो उसके लिए प्रोटेक्शन होती है, या तो फिर ज़्यादा परफ्यूम ना लगाए, ज़्यादा खुशबूदार महकदार कोई चीज़ अपने सिर में, बालों में तेल ना लगाए, क्रीम ना लगाए, परफ्यूम ना लगाए, इन चीज़ों से परहेज रखे कोई भी हमारी माता बहन, और विशेषकर उन माता बहनों के लिए जो पीरियड से होती हैं, जो महीने से होती हैं, ऐसे समय में बाहर ना निकले, या वो हमारी बहनें जिनकी नई नई शादी हुई है और वो सज धज के परफ्यूम लगा के पूरा 16 श्रृंगार करके निकल जाती हैं, अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, तो वो भी ना निकले। अगर वो निकले तो अपने साथ में लहसुन की कुछ कलियां या कोई चाकू, ठीक है, और ये रख के निकले, लहसुन की कलियां अपने उंगलियों पे, नाखूनों पे वगैरह पे लगा ले तब निकले। और कोई भी भाई बंधु जो अनजाने में गलतियां कर देता है कि उतारे की चीज उठा के खा ले, भैया कदापि मत करो, ऐसी तैसी लग जाएगी, रोड पे आ जाओगे, भिखारी बन जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, कोई पानी देने वाला नहीं होगा, दूसरे की बला अपने गले क्यों चिपका रहे हो? ऐसी जगह कभी भी थूकना नहीं चाहिए, ऐसी जगह बार बार मुड़के नहीं देखना चाहिए, ऐसी जगह कभी पेशाब नहीं करना चाहिए। अगर आपका बुरा वक्त है तो फिर आप तो मुसीबत तीतर घर लेके आएंगे, अब ये नहीं पता वहां से कितने तीतर तुम्हारे साथ लग जाए, तीतर यानी कि कौन सी शक्ति आपके साथ लग जाए, आपके साथ क्या अहित हो जाए, आप लंबे समय के लिए बीमार गिर जाएंगे, पता नहीं चलेगा, दवा करते करते थक जाएंगे, समस्या कुछ और होगी, समाधान मिलेगा जब जब दम निकल जाएगा तब, लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा हुआ क्या है, भूत खेल लिया, प्रेत खेल लिया, मसान खेल लिया, मसानी खेल लिया, कुछ समझ नहीं आएगा इतने, क्यों? क्योंकि वो उनका धंधा होता है वहां पे चौराहे पे दे दिया। असल में उतारा जो दो, ऐसी जगह दो जहां पे कोई ना जाता हो, किसी को हमारी वजह से परेशानी ना हो। तंत्र ये कहता है कि तंत्र अगर किसी पे किया गया है तो उस कर्मों का जो भी कष्ट आता है परमात्मा कर्मों के आधार पे देता है, ठीक है, हम अपने तप और अपनी ऊर्जा, अपनी शक्तियों के द्वारा उस समस्या का आपका समाधान करते हैं। आपको जितने लंबे समय तक कष्ट भोगना होगा आपके नसीब में लिखा है, तो इतने समय, लंबे समय तक आप धक्के खाते रहेंगे, जिस दिन आपके कष्ट का निवारण होगा तो स्वतः ही वो व्यक्ति मिल जाएगा जो आपके कष्टों का निवारण करेगा। तो ऐसी समस्याओं से बचें, माता बहनें
वो बहनें जो जिनकी शादियां नहीं हुई हैं या जो एक दो महीने की गर्भवती हैं, जिनका गर्भ ठहरा है, वो ऐसी दोपहरी में लपट में ऐसे चौराहे से परहेज रखे, अपने साथ लहसुन लेके चले, अकेले ना चले, बता रहे, क्योंकि गर्भ गिरा देती हैं ये चीजें। अगर ऐसे आप इन चीजों के संपर्क में अगर कोई गर्भवती महिला आ जाए तो सबसे पहले गर्भ गिरेगा, उस पे ऑटोमेटिक शक्ति बैठने के बाद में गर्भपात होने शुरू हो जाता है। बहुत जितनी चीजें निगेटिव पॉजिटिव है उतनी ही निगेटिव होती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्ञान के लिए पूरा देखें और लास्ट तक देखें, उतादों से परहेज करें, उतादों से कैसे बचा जाए, लहसुन की पुत्ती लीजिएगा, चाकू रख लीजिएगा, अकेला मत जाइए, ठीक है। और ऐसी जगह जाते हैं तो आपके पास अगर कोई मंत्र है, गुरु मंत्र है, आपका कोई इष्ट है, देवी है, देवता है, जिसको मानते हैं उसका नाम लीजिएगा, और ऐसे समय पे मत जाइए जैसे पीरिया मीठा खा के, इन चीज़ों से परहेज रखिएगा, ठीक है। बाकी कोई समस्या है तो हम बैठे हैं, सारे भूत उतार देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जय श्री महाकाल, आदेश आदेश।